नज़ारा देखिए, दूर तक पहाड़ी पहाड़। ये दूर नदी बह रही है गंगा जी अपनी, और ये पहाड़ देखिए, शानदार पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। पहाड़ों में मजा बहुत आता है, राफ्टिंग का मजा लेते हुए लोग जूम करके दिखाते हैं आपको। ये वही राफ्टिंग दिख रहे हैं। पहाड़ जबरदस्त, चारों तरफ पहाड़ पहाड़, पहले मजा बहुत आता है यहाँ पर, दिल करता है इधर ही बस से। अगर हम लोग दो चार दिन के लिए घूमने के लिए आते हैं अच्छा लगता है, अगर कहीं परमानेंट यहाँ पे रुकना पड़े तो बोर हो जाएंगे। इंसान की फितरती ऐसी है। हेलो गाइस, हाँ ये लो, घूमने के लिए घूमो। बहुत ठंडी ठंडी हवा बह रही है एकदम, शानदार। बने हुए हैं स्टे करने के लिए, जगह अच्छी है। वो देखो अभी आधा हम लोग आए हैं, अभी आधा और नीलकंठ है, यानी ऊंचाई अभी देख लीजिए इतनी सारी है दोस्तों। पहाड़ का नजारा, पतली पतली सड़कें हैं। ये हमारी बाइक है सारी, ये हमारी एसपी, कंट्रोल खेल रहे हैं सारे यहाँ पे। ये चार दोस्त हमारे, नीला नीला आसमान पहाड़ों के बीच। टेम्परेचर नॉर्मल है, धूप अच्छी लग रही है, ठंड का मौसम है तो धूप अच्छी ही लगती है, सबको पता ही है। ओडी पीछे ओडी जा रही है, जो नीलकंठ ये भी शायद जा रहे होंगे भोलेनाथ के दर्शन के लिए। अभी मैं फेंक देता पर्ची, पर्ची की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं ऑप्शन। अगली बार मेरे कटवाई नहीं, तुम कटवाई मेरा सोना कटता है, मैं तो हर बार कहता हूँ मेरी नहीं कटती। ये कार्ड दिखा दे, वो तो वैसे छोड़ दे कार्ड है बस, मेरा नहीं कटता, पहली बार तो कार्ड भी नहीं मांगा था। ये सड़कें देखो गाइस, एक वहां पर भी मंदिर है, वो कौन से भगवान के मंदिर है आइडिया नहीं है। अगर पहाड़ों का व्यू बहुत अच्छा, फूल पहाड़ कटे हुए हैं खेत की तरह,
वो मंदिर के लिए सीढ़ियां जा रही है, वहां पर भी जाकर देखेंगे। हरिद्वार 49 किलोमीटर। वो देख रहे हो भाई लोग, उधर सड़क दिख रही होगी, ये देखो वहां से घूमते हुए आ रहे हम लोग, पूरा पहाड़ पहाड़ है यहाँ पर, पहाड़ का नजारा औसम है। बादल बहुत नजदीक है, करेंगे जाते वक्त उस मंदिर में जाएं, अगर बाइक से रास्ता है तो शायद नहीं है, है। वहां भी जाकर दिखाएंगे आपको। दोस्तों हमने प्रसाद ले लिया है, अब जा रहे हैं भोलेनाथ को दर्शन करने के लिए, और दिखाएंगे। मेरी है हमारे साथ, सारी इधर दुकानें हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं, ठंडे हो गए हैं पैर ठंडे हो रहे हैं बिल्कुल। ये रास्ता जाने का, ऐसे गलियों में से जाना पड़ता है भोलेनाथ के पास, इधर से सीढ़ियों चढ़ के। मंदिर वाले 3 नंबर गेट से जाएंगे, भीड़ देखो दर्शकों की। ए इधर रास्ता ही भूल गए पूछ लो ना, मंदिर में जाने का रास्ता इधर से। हाँ हाँ हाँ, इसी साइड से। चलो जी मंदिर आने वाले हैं, पीछे हैं, लाइन में लगे हुए, भीड़ बहुत है। दोस्तों फाइनली पूजा हो चुका है, अब हम लोग मंदिर से निकल रहे हैं बाहर, पूजा अच्छी तरह हो चुका है, ये देख लिए सभी दोस्तों को हो गया, बाकी दोस्त अभी हमारे अंदर ही हैं, भी आ रहे हैं वो बाहर हैं। इधर से जाना था।